दोस्तों आज की वीडियो में हम जाएंगे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, जहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी मस्तियाँ और साथ साथ वहाँ पर शिकार करेंगे कुछ खतरनाक मॉन्स्टर का। अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पर हम माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में आ चुके हैं। अरे हाँ, जरा ये देखो, ये जगह तो कितनी अजीब है। क्योंकि बेवकूफ, ये एक माइनक्राफ्ट है, यहाँ पर हर चीज डब्बे के आकार में होती है। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये देखो यहाँ पर तो ये मधुमक्खी है। अरे हाँ, इसकी शेप भी डब्बे जैसी है, यहाँ पर तो हर चीज कितनी ज्यादा अजीब है। अरे हाँ यार, जरा इनको देखो, ये कितने ज्यादा प्यारे लग रहे है। नोबिता, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहे है। अरे क्या, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहे है। अरे दोस्तों जरा ये देखो, यहाँ पर तो गाय भी है। अरे हाँ ये गाय है, चलो उसका दूध निकालते हैं। अरे बेवकूफ, दूध निकालने के लिए हमें बाल्टी तो चाहिए होगी, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, हमें यहाँ पर सबसे पहले कुछ टूल्स बनाने होंगे। अरे हाँ यार, ये दुनिया जितनी ज्यादा प्यारी है उतनी ज्यादा खतरनाक है। चलो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने लिए कुछ टूल्स बनाने पड़ेंगे और साथ साथ हम यहाँ पर एक बड़ा सा घर बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे क्या शिनचैन, तुम्हें हर टाइम भूख लगती रहती है। अरे हाँ यार, भूख तो मुझे भी लग रही है। चलो यहाँ पर एक फटाफट से फर्नेस बनाते हैं, जिसमें हम अपने लिए खाना बना पाएंगे। अरे लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर सामान इकट्ठा करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने लिए कुल्हाड़ी और पिकेक्स बनाते हैं, जिससे हम यहाँ पर सामान को तोड़ पाएंगे। अरे ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अब शाम भी हो चुकी है, अब धीरे धीरे यहाँ पर रात होने वाली है। अरे हाँ, उससे पहले हमें हमारे लिए बेड बनाना होगा। बिल्कुल सही कहा, बेड के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। चलो दोस्तों, यहाँ पर कुछ भेड़ों को मार लेते हैं। अरे हाँ, जिनसे हमें ढेर सारा ऊन मिल पाएगा, और उसकी मदद से यहाँ पर हम अपने लिए एक मजेदार बेड बनाएंगे, जिसमें मजे से सो पाएंगे। A few moments later. अरे ये क्या, सुबह सुबह हमारे ऊपर ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। अरे हाँ, चलो भागो यहाँ से। हे बेवकूफ नोबिता, हमें भागना नहीं है, हमें उससे मुकाबला करना है। चलो फटाफट से अपनी कुल्हाड़ी निकालो। अरे ये क्या, ये ज़ॉम्बीज तो एक ही बार में मर गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि घबराने की लोड़ नहीं है, यहाँ पर हमें सबसे मुकाबला करना होगा। अरे लेकिन हम उनसे कब तक मुकाबला करेंगे, हमें यहाँ पर अपने लिए फटाफट से घर बनाना होगा। अरे हाँ बच्चा, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर हमें घर तो बनाना होगा, तभी हम यहाँ पर ज़ॉम्बी से बच पाएंगे। अरे हाँ यार, तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले जगह को साफ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम बहुत ही बढ़िया सा घर बनाने वाले हैं। अरे हाँ, जिसमें हम सब रहेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर हम ढेर सारे जानवर को पालेंगे। दोस्तों यहाँ पर अब काम करते करते मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अरे हाँ यार, भूख तो मेरे को भी लग रही है। चलो यहाँ पर फटाफट से हमारे पास जो भी चिकन मटन है उनको फटाफट से बनाने के लिए रख देते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, भूख तो मुझे भी बहुत जोर के लग रही है। चलो इतना हमारा खाना बनके रेडी हो रहा है, इतना यहाँ पर हम होल लकड़ियाँ काट लेते हैं। अरे हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमें ढेर सारी लकड़ियाँ काटनी है। अगर हमें सुंदर सा घर बनाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर काफी सामान चाहिए होगा। अरे हाँ, चलो फटाफट से काम करना शुरू करते हैं, हमारे पास ढेर सारा काम है। A few moments later. अरे ये देखो गाइस, यहाँ पर हमारा घर रेडी हो चुका है। अरे हाँ, घर देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखो स्विमिंग पूल भी बनाया है। और उसमें देखो हमने कितनी खतरनाक मछलियाँ रखी है। अरे हाँ, यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल रेडी हो गया है, और साथ साथ यहाँ पर देखो हमने छोटा सा खेत भी बनाया है। अरे हाँ, जिसमें हमने कुछ सब्जियाँ उगाई है, जिससे हम यहाँ पर अपना पेट भर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम कुछ जानवर को पकड़ सकते हैं। देखो ये पीके का बच्चा कैसे गाजर के पीछे पड़ा हुआ है। अरे हाँ, अब हमें यहाँ पर जानवर भी तो पालने हैं। चलो इनके लिए भी यहाँ पर छोटा सा घर बना देते हैं। A few moments later. तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने जानवरों के लिए कुछ घर बना दिए हैं। अरे हाँ, इतना घर काफी होगा, अब चलो फटाफट से जानवर को पकड़ने चलते हैं। अरे बेवकूफ, जानवर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं है, सबसे पहले हमें उन्हें कुछ चारा खिलाना होगा। अरे हाँ, जैसे उसे चारा खिलाएंगे उसके बाद वो हमारे दोस्त बन जाएंगे, फिर वो हमारे साथ साथ हमको फॉलो करेंगे, और उसके बाद उन सबको हम पकड़ लेंगे। इसमें तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एक काम करते हैं, यहाँ पर जितने भी पहले पेड़ है उन सबको तोड़ लेते हैं, ताकि इनसे हमें ढेर सारा सामान मिल सके। अरे हाँ देखो, यहाँ पर हमारे पास कितनी ज्यादा वीट इकट्ठी होगी है, इतना काफी होगा। अरे हाँ, चलो फटाफट से यहाँ पर सबसे पहले इस पिगी को पकड़ते हैं। अरे ये देखो, ये पिगी का बच्चा तो गाजर के पीछे भागा चला रहा है। अरे हाँ, जरा वो देखो, यहाँ पर दूसरा पिगी भी है, इन दोनों को हम साथ ले चलते हैं। अरे यार, ये दोनों कितने ज्यादा क्यूट है, और साथ साथ इनका मीट भी काफी ज्यादा स्वादिष्ट होगा। अरे बिल्कुल भी नहीं, हम इन्हें पालेंगे ना ही इन्हें खाएंगे। अरे चलो दोस्तों, यहाँ पर ये अंदर आ चुके हैं, इन्हें फटाफट से खाना खिलाते हैं। अरे ये क्या, इनका तो छोटा सा बच्चा
बच्चा भी हो गया है और ये कितना ज्यादा क्यूट है। अरे हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर इसका छोटा बच्चा कितना ज्यादा क्यूट है। चलो दोस्तों यहाँ पर इन सबको हम बंद कर देते हैं और अब हम चलते हैं किसी और एनिमल को पकड़ने के लिए। अरे हाँ यहाँ पर एक एनिमल से बात नहीं बढ़ेगी, चलो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा एनिमल पकड़ने के लिए चलते हैं। पता नहीं वो दूसरा एनिमल कौन सा होगा, लेकिन जो भी होगा उसे पकड़ने में बड़ा मजा आएगा। वैसे दोस्तों तब तक आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। अरे हाँ हम आजकल देख रहे हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। नहीं दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत करो, हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। अरे जरा वो देखो दोस्तों वहाँ पर शिप है। चलो दोस्तों यहाँ पर इसको पकड़ लेते हैं। अरे हाँ यार इससे हमें ऊन मिलेगा जिससे हम मजेदार बेड बना सकते हैं। वैसे भी हमारे पास ज्यादा बेड नहीं है, चलो यहाँ पर इन सबको अपने साथ ले चलते हैं। अरे इसे क्या हो गया, अरे ये देख मैं तेरे लिए घास लेके आया हूँ, आ जा मेरे पीछे पीछे। अरे हाँ इसे ऐसे अपने पीछे पीछे बुलाते जाओ, अभी हमारे घर के अंदर आ चुकी है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर पहले इन्हें घास खिलाते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं। अरे ये देखो दोस्तों यहाँ पर इसका भी बच्चा आ चुका है। अरे चलो दोस्तों इसको भी फटाफट से ढेर सारी घास खिला देते हैं ताकि ये फटाफट से बड़ा हो जाए। यही दोस्तों अब तो मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। अरे हाँ दोस्तों अब तो मैं भी बोर हो गया हूँ, चलो दोस्तों यहाँ पर कुछ और नया करते हैं। अरे हाँ हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। अरे हाँ चलो यहाँ पर बोटिंग करते हैं, उसमें काफी ज्यादा मजा आएगा। जरा वो देखो दोस्तों वहाँ पर तक नदी भी है, वहाँ पर हम बोटिंग करेंगे। अरे हाँ यहाँ पर बोटिंग करने में मजा आएगा। चलो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम हमारी बोट को बना देते हैं जिसमें हम तैरेंगे। अरे ये देखो गाइस हमारी बोट रेडी हो चुकी है। चलो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से बोट में बैठ जाओ क्योंकि अब मैं इसको बहुत तेज चलाने वाला हूँ। oh no. अरे वाह यहाँ पर बोट राइडिंग में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, हाँ माना कि बोट थोड़ी छोटी है लेकिन इस राइड में तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो चलो दोस्तों इस बोट को थोड़ा और घुमाते हैं, यहाँ पर तो कितना ज्यादा मजा आ रहा है। मेरे साथ रहोगे तो मजे ही करोगे। चलो दोस्तों यहाँ पर बोट की राइडिंग में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे ये देखो गाइस यहाँ पर तो रात भी हो चुकी है। अरे हाँ यार हमें तो खेल खेल में पता नहीं लगा कि कब टाइम निकल गया। oh no. वैसे हमारे पास एक घोड़ा भी है। अरे हाँ हमें फटाफट से घोड़े में बैठ के यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले यहाँ पर रात हो हमें यहाँ से निकलना होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि रात के वक्त जो माइनक्राफ्ट का वर्ल्ड है ना काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। oh no. अरे हाँ यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज वगैरह भी मिलेंगे, हमें फटाफट से अपने घर जाना होगा। अरे क्या पूछा नहीं, यहाँ पर थोड़ा शुभ शुभ बोलो, ज़ॉम्बीज का नाम भी मत लो, सुना है जितना तुम नाम लोगे वो चीज उतनी ज्यादा आती है। अरे नोबिता तुम कितने ज्यादा डरपोक हो, अगर ज़ॉम्बीज का बच्चा आ भी जाएगा तो मैं उसका मुकाबला करूंगा। ये जो मेरी तलवार देख रहे हो ना इससे मैं उसका गला काट दूंगा। अरे हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिर हम कब तक डर डर के रहेंगे, हमें उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। अरे यार वो बात तो सही है लेकिन मैं एक चीज तो बताना भूल गया। ए, क्या चीज बताना भूल गए? अरे यार मेरे ख्याल से हम यहाँ पर रास्ता भटक चुके हैं। हे नोबिता ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें रास्ता याद नहीं? अरे यार मुझे रास्ता याद था लेकिन रात को सब रास्ता एक जैसा लग रहा है। अरे गाइस एक मिनट सामने की तरफ देखो, ज़ॉम्बीज हमारे पीछे है। अरे यार फटाफट से अपने घोड़े को पीछे करो और यहाँ से निकलो। अरे चलो दोस्तों हम उससे तो बच ही चुके हैं। अरे ये क्या सामने की तरफ तो क्रीपर है, चलो यहाँ से भी भागो। ए नोबिता तुम हर वक्त भागते नहीं रह सकते, हमें उसे लड़ना होगा। क्या लड़ना होगा, अगर तुम यही चाहते हो कि मैं इनसे लड़ूं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे इनसे लड़ता हूँ। अरे वाह नोबिता तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा हिम्मत है, यहाँ पर तुमने ज़ॉम्बीज के बच्चे को अच्छा सबक सिखाया। अरे वाह नोबिता ये कराना तुमने हिम्मत वाला काम, वाह तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा हिम्मत है। अरे गाइस तुमने अभी मेरी हिम्मत देखी नहीं है, ये देखो क्रीपर को मैं कैसे मारता हूँ। अरे वाह तुमने तो क्रीपर को मार दिया, वाह नोबिता तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा हिम्मत है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर तुम्हें भी लगता कि मेरे पास सबसे ज्यादा हिम्मत है तो यहाँ पर तुम सब लिख देना नोबिता ओपी। ए दोस्तों यहाँ पर तुम नोबिता ओपी नहीं, यहाँ पर तुम लिखना जियान ओपी क्योंकि मेरे जैसी हिम्मत किसी के पास नहीं है। अरे गाइस तुम आपस में लड़ना बंद करो, जरा सामने की तरफ देखो स्केलेटन है। क्या स्केलेटन? अरे स्केलेटन तो काफी ज्यादा खतरनाक होता है। हे नोबिता तुम बिल्कुल भी मत डरो, इसे तो मैं ही लड़ूंगा। ये देखो पहले मैं इसके तीर को रोकता हूँ और उसके बाद इसे अब तलवार से मारता हूँ। अरे वाह जियान तुमने काफी अच्छी टेक्निक लगाई। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मुझ जैसा हिम्मत वाला कोई भी नहीं है। वैसे दोस्तों ये सब कुछ आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो कि आपको नलायक नोबिता को ओपी बोलना है या फिर मुझ जैसे ताकतवर इंसान को ओपी बोलना है। अरे चलो दोस्तों यहाँ पर फटाफट से अपने घर की तरफ चलते हैं, वैसे भी हम काफी लेट हो चुके हैं। अरे गाइस मुझे तो लगता कि हम यहाँ पर घूम चुके हैं, मुझे तो पता भी नहीं कि हमारा घर कहाँ पर है। अरे जरा वो देखो सामने की तरफ लाइट है। अरे वाह फाइनली हमें हमारा घर मिल गया, अब हम सेफ है। अरे बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो आसपास ज़ॉम्बीज की आवाज आ रही है। oh no!
तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, हमें यहाँ पर इन सबसे मुकाबला करना होगा। अरे ये देखो, ये तो ज़ॉम्बीज़ का बच्चा है और ये भी यहाँ पे हमला कर रहा है। अरे तुम घबराओ मत, यहाँ पर हमने पहले भी इनका मुकाबला करा, इस बार भी इनको मजा चखा देंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन फिलहाल अभी हमारी हेल्थ काफी ज्यादा कम है, हमें घर के अंदर छुपना होगा। अरे हाँ, हमें फटाफट से घर के अंदर छुपना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर मर जाएंगे। है नोबिता, तुम थोड़े शांत रहो, यहाँ पर हम बच जाएंगे। अरे ये क्या, ये छोटा ज़ॉम्बीज़ का बच्चा तो यहाँ से आ गया। अरे ये क्या, ये सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ तो यहीं से आ रहे हैं, हमें क्या करके सबको मारना होगा। अरे वाह गाइस, यहाँ पर हमने सभी ज़ॉम्बीज़ को बचा चुका दिया, अब जाके हम चैन की नींद सो सकते हैं। अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्यारा सा कमेंट करके ये बताना कि सबसे ज्यादा ओपी कौन है, नोबिता या फिर जिया। मुझे पता है तुम सब मेरा नाम लोगे कि कुछ ऐसा ओपी कोई भी नहीं है। वैसे दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियो अगर आप रोज देखना चाहते हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके वो जो घंटी दिख रही है उसको भी दबा दो। बाकी मिलते हो आपसे अगले वीडियो में।